मेरा नाम नवपत कुमार, मैं जिला उधम सिंह नगर का उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। मुझे अटैक पड़ गया था, मुझे शुगर बहुत पुरानी है, सन 1986 से मैं शुगर का मरीज हूँ। फिर हम सिंघानिया अस्पताल में दिल्ली आ गए और दिल्ली आने के बाद पाँच दिन मुझे रखा ICU में और सारे चेकअप वगैरह करके कहने लगे जी आपका 10% काम ऐड कर रहा है, हम आपके ऊपर रिस्क नहीं ले सकते, ना तो आपका वो ऑपरेशन हो सकता है, बाईपास सर्जरी भी नहीं हो सकती और स्टंट भी नहीं पड़ सकते। फिर वहाँ नेट पे मेरी मिसेज ने जो मेरी इनके सहयोग से मैं बचा हूँ और इन्होंने जो है डॉक्टर झज्जर का उसमें देखा नेट पे, तो हम यहाँ पर आ गए तो इनको दिखाया तो इन्होंने कहा आप 100% सही हो जाएंगे और मैं बिल्कुल 100% स्टंट बिल्कुल सही हो चुका हूँ यहाँ पे आके। मैं कहता हूँ भगवान करे ऐसे डॉक्टर और पैदा हों। इस डॉक्टर की मैं तीन शब्दों में तारीफ करूं मेरे पास वो शब्द नहीं है। बिल्कुल मेरा परिवार और मैं बिल्कुल प्राण छोड़ चुके थे, मुझे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। जो इन डॉक्टर साहब ने मुझे आज बचाया है मैं इनका बड़ा आभारी हूं और मैं कहता हूं भगवान इनकी उम्र लंबी करे और ऐसे डॉक्टर और हूँ और जिन्होंने मुझे बचा दिया। मैं इनका बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ, इनका धन्यवाद करता हूँ। मैं 5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर लगभग सवेरे चल रहा हूँ, 2.5 किलोमीटर शाम को चल रहा हूँ और मैं हल्का फुल्का योग भी कर रहा हूँ, प्राणायाम भी कर रहा हूँ और आसन भी कर रहा हूँ और मुझे इस टाइम कोई परेशानी नहीं है। मैं ये कहूँगा कि आप ये इलाज करवाएं और इससे बढ़िया कोई इलाज नहीं है, इसमें कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई कटिंग नहीं है और आप लोग बाईपास सर्जरी से बच जाएंगे और इतने पैसे वेस्ट होते हैं मैं उससे बच जाएंगे और आप सही हो जाएंगे। मैं विकास भूतिका लेक टाउन से कलकत्ता। 9 महीना पहले मेरे को हार्ट में पेन हुआ, मैंने RLT में एडमिट हुआ एंड RLT में एडमिट होने के बाद मुझे 80% ब्लॉकेज बोला गया और मुझे ओपन हेड सर्जरी के लिए डॉक्टर ने प्रेफर किया, लेकिन मैं उसको कराने के लिए सोच में पड़ गया, कराऊं नहीं कराऊं। फिर मुझे डॉक्टर विमल चटर्जी का पता चला, हम लोगों ने पता किया, पता करके उनको अपॉइंटमेंट लेके मैंने इन लोग को दिखाया। दिखाने के बाद मैं ECP भी कराई मैंने 35 दिन, उसके बाद कार्डियो क्लीन गोल्ड 3 बॉक्स मैंने खाए। अभी मेरा ब्लॉकेज 50% 55% आ गया है, अभी बहुत इम्प्रूवमेंट है। डॉक्टर साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद। चेरापूंजी वगैरह में भी मैं गया था और चेरापूंजी में ये इनकी तबीयत भी बहुत ठीक थी, ऊपर पहाड़ में जाना नीचे आना सब ये कोई हापनी कुछ भी नहीं था, मेडिसिन चल रहा था डॉक्टर साहब का, सब बेटर था। In 2009 मैं पार्क में मॉर्निंग वॉक कर रहा था, अचानक मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं एकदम पूरा अंधेरा हो गया, मैं गिर गया वहाँ। उसके बाद वहाँ से उठा के मुझे ले गया वुडलैंड्स में, वुडलैंड्स में जाने के बाद एंजियोग्राफी किया गया, में हमको मिला 3 मेन आर्टरी ब्लॉकेज, 1 is 100%, अनदर इज 99, अनदर इज 95। तो उसके बाद मैंने स्टेंट बैठा दिया, स्टेंट बैठाने के बाद मुझे बहुत तकलीफ होने लगा, तकलीफ होना ऐसा कि यहाँ से 2 मिनट में चल नहीं सकता था, दिन में 3-4 करके सॉर्बिटेड लेता था। करते करते 2014 में जब मुझसे और सहन नहीं किया गया तब मुझे फिर एक बार एंजियोग्राफी कराया, करने के बाद बोला आप कुछ नहीं होगा, आपका स्टेंट काम नहीं कर रहा है, आपको इमीडिएटली बाईपास करना है। उसके बाद मेरा एक दोस्त मिस्टर दुबे जी वो मुझे डॉक्टर छजर के पास ले आए, तो छजर के पास आने के बाद मुझे कार्डियो क्लीन लिया और उसके बाद ECP कराया, कराने के बाद वो कुछ डाइट कंट्रोल कर दिया मेरा, बस उसी रास्ते में चलते चलते आज ऐसा हो गया कि मैं 1 माइल आराम से मैं चल सकता हूँ, मैं एक भी सॉर्बिट्रेट आज 4 साल से नहीं लिया और मेरा सब रिपोर्ट वो बोल रहे हैं कि सब नॉर्मल हो गया।